हाय गाइस, मैं अभिषेक कालखंडे। मैं थाईलैंड आया था, तो थाईलैंड में आने के बाद मेरे सामने चार स्पॉट थे कि मुझे कहाँ आना चाहिए, तो मैंने बैंकॉक चूज़ किया। तो जैसे मैं बैंकॉक में आया, तो अगला सवाल था कि मुझे रुकना कहाँ चाहिए। तो फिर मैंने रिसर्च किया, तो थाईलैंड में बैंकॉक में बेसिकली रुकने के लिए जो सबसे अच्छा एरिया है थाईलैंड का, उसको माना जाता है सुकमित। जैसे ही मैं सुकमित में आया, मैंने देखा कि यहाँ पर वाकई में ही मतलब बहुत बड़े बड़े होटल्स और मतलब एक लग्जरी लाइफ और जो नाइट लाइफ बैंकॉक की होती है वो सुकमित के एरिया में ही होती है। ये चार पांच स्टेशन्स हैं जो कि मैं आपको बीटीसी पीछे जा रही है, बीटीसी का मतलब है जो सॉरी बीटीएस जो कि इनकी स्काई ट्रेन बोलते हैं, ये दिल्ली की मेट्रो ट्रेन के जैसी होती है। तो जब मैं यहाँ पर आया, तो आने के बाद पता चला कि सुकमित एरिया यहाँ का सबसे लग्जीरियस स्पॉट है बैंकॉक, बल्कि इवन पूरे थाईलैंड का। तो सुकमित का एरिया है जिसको मैं बार बार बोलता हूँ कि ये बैंकॉक का सबसे पॉश एरिया है, और ये यहीं पर ही बैंकॉक की नाइट लाइफ है। इससे अलग बैंकॉक में कुछ खास है नहीं। अगर आपको स्टे करना है तो इसी एरिया में मैं आपको इसका एक झलक दिखा देता हूँ इस एरिया की। ये कुछ ऐसा है, ये देखिए, ये यहाँ का, ये मान लीजिए हार्ट ऑफ बैंकॉक है। ये ऊपर BTS है, BTS का मतलब जो स्काई ट्रेन। उस तरफ अशोक स्टेशन है, सामने वहां पर टर्मिनल 21 है। यहीं से अगर आप देखोगे वो वहां से आपकी जो नाइट लाइफ है, वहां से आपकी नाइट लाइफ स्टार्ट होती है। नाइट लाइफ का मतलब जो बार डांसिंग गर्ल जो है वो सब इसी स्टेशन के जहाँ मेरी उंगली है बिल्कुल यहाँ से राइट में है। और ये वाला जो स्टेशन है, ये आपको दिख रहा है, ये अशोक का BTS यानी कि मेट्रो स्टेशन है। अगर आना है तो सिर्फ यही एक मेट्रो स्टेशन है, वरना आप अपनी स्कूटी हायर कर सकते हैं और टैक्सी वगैरह ले सकते हैं। और अगर आप मेरी तरह चीप तरीका ढूंढ रहे हैं तो फिर ये मेट्रो यूज़ कीजिए, बल्कि मेट्रो भी यूज़ मत कीजिए, इसी एरिया में आसपास ही अपना होटल लीजिए। यहाँ पे महंगे से महंगे होटल हैं, बजट के भी होटल हैं। मेरा जो होटल है वो पहला होटल मेरा 1500 रुपये का था, दूसरा होटल भी 1500 रुपये का था, मेरा तीसरा होटल जो कि आज का है वो तो 1050 रुपये का ही है। तो ये भी नहीं कि इस एरिया में बहुत महंगे होटल्स हैं, ज़्यादा महंगे होटल्स भी नहीं है। और कोशिश करता हूँ कि इसके एक दो स्टेशन आपको और दिखा सकूँ BTS के, वो जो भी स्टेशन होंगे वो इसी लाइन के होंगे। आगे मैं बताता हूँ, आगे नाना है, ये वाला अशोक है। अगर हम इसके लेफ्ट में जाते हैं तो सुकमित आएगा, फिर पता नहीं कौन सा आएगा, उसके बाद में पोरमपोंग आएगा। तो ये कुछ स्टेशन्स हैं। अगर आप जब भी आप booking.com, Agoda या किसी भी होटल बुकिंग साइट पे आप अपना होटल बुक करेंगे तो ऊपर में बैंकॉक से क्या आवाज कर रहा है, अगर आपको यहाँ पर अपना होटल बुक करना है ना, तो उसमें सिर्फ बैंकॉक मत डालिए, आप डालिए नाना, वहाँ पे आपको सारे होटल के ऑप्शन दिखा देगा। और अगर नाना में आपके बजट का होटल नहीं आ रहा है तो अशोक डालिए बैंकॉक में booking.com में ASOK अशोक ही होता है, अशोक डालिए। अगर अशोक में भी आपके पास होटल्स नहीं दिखा रहा है आपके बजट के, तो फिर सुकमित डालिए, सुकमित नहीं दिखा रहा है पोरमपोंग डालिए। इन्हीं एरिया में आपको रहना है, और वाकई में शायद अभी कैमरा जस्टिफाई नहीं कर पा रहा होगा, मुझे पता है कि जो मैं नज़ारा यहाँ से देख रहा हूँ, ये मैं कोशिश करता हूँ कि आपको मतलब मैं अच्छे से व्यू दिखा पाऊँ। ये वाकई में बहुत खूबसूरत है। और मैंने कुछ ब्लॉग्स में देखा था, यूट्यूबर कह रहे थे कि यहाँ पर ट्रैफिक होता है, बहुत हैवी ट्रैफिक है, पर जो मैंने देखा है सिर्फ इसी एरिया में थोड़ा बहुत ट्रैफिक है, वरना लगभग पूरा बैंकॉक बहुत स्मूथ ट्रैफिक से चलता है। एक रोड पे मुश्किल से 10 से 15 कार होती हैं। जब मैं फर्स्ट डे पहले दिन आया मैं यहाँ पर, तो उस रोड पे बहुत ही मतलब इतने लोग भी नहीं थे कि मैं उनसे एड्रेस पूछ सकूँ। पर खाना यहाँ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम, मतलब मेजर प्रॉब्लम है मेरे लिए, क्योंकि मैं नॉनवेज नहीं खाता, मैं सिर्फ वेज खाता हूँ, मैं वेजिटेरियन हूँ। तो यहाँ पर अगर मैं लोकल मार्केट जाता हूँ तो वहाँ पर तो कोई भरोसा ही नहीं है कि मैं खाऊंगा क्या। पर अगर मैं 7-Eleven जाता हूँ तो 7-Eleven में भी आपको वेज ऑप्शन बहुत ही लिमिटेड देखने को मिलेंगे। तो इसलिए बेटर ये है कि कुछ भी खाने से पहले एक बार कंफर्म जरूर कर लीजिए।
यहाँ की दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इनकी लैंग्वेज। इनको हिंदी आती नहीं, हमें थाई आती नहीं, इनको इंग्लिश नहीं आती, हमें थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है। मैं तो इंग्लिश वैसे भी माशाल्लाह है, तो खैर जितनी भी है पर इनको वो भी नहीं आती। कि अगर आपको इनसे थोड़ा बहुत कम्युनिकेट करना है तो अपने फ़ोन में गूगल ट्रांसलेट कीजिए, गूगल ट्रांसलेट करके उसमें लिख के कि मुझे शाकाहारी खाना खाना है, उसमें वो ट्रांसलेट करके दिखाएगा, उनके सामने अपना फ़ोन रख दीजिए तो शायद वो समझ जाए। मेरे साथ तो ये हुआ है। मैं कोशिश करता हूँ कि इसके एक दो स्टेशन आपको और दिखा सकूँ BTS के। वो जो भी स्टेशन होंगे वो इसी लाइन के होंगे। आगे मैं बताता हूँ, आगे नाना है, ये वाला अशोक है। अगर हम इसके लेफ्ट में जाते हैं तो सुखमित आएगा, फिर पता नहीं कौन सा आएगा, उसके बाद में पोरमपोंग आएगा। ये BTS का अशोक स्टेशन है। BTS का मतलब जो यहाँ की मेट्रो है, जो ऊपर से चलती है, स्काई ट्रेन बोलते हैं BTS को ये। और बिल्कुल इसी के बाहर टर्मिनल 21 है। बहुत से लोग यहाँ पे आके कंफ्यूज होते हैं कि बैंकॉक में टर्मिनल 21 क्या चीज़ है। तो ये टर्मिनल 21 यहाँ का बहुत बड़ा शॉपिंग मॉल कह सकते हैं आप इसको। और ये इसी एरिया में है, मतलब ये जो जितना भी एरिया है, पॉश एरिया है, जितना भी नाइट लाइफ वगैरह, ये सब इसी एरिया में होती है। इसी के एक दो किलोमीटर के अंदर अंदर ये सब चलता है। तो ये बैंकॉक का सबसे फेमस एरिया है। और यहाँ पर आने के लिए अगर आपको BTS से आना है, क्योंकि अगर आप टैक्सी लेंगे तो वो आपको बहुत महंगी पड़ जाएगी, टुक टुक लेंगे वो टुक टुक तो इन टैक्सी से महंगी पड़ती है। तो सबसे चीप जो तरीका है वो BTS है, मतलब कि हम इंडियंस के लिए मेट्रो, मेट्रो हम कह सकते हैं। तो सीधा अशोक स्टेशन उतरिए और टर्मिनल 21 आपके सामने, उस तरफ आपको नाना मिल जाएगा, नाना स्टेशन इससे आगे है। और इस तरफ पीछे आपको सुखमित का जो स्टेशन है वो पीछे है, उससे पोरमपोंग, जहाँ पे मैं पहले मेरा होटल था पोरमपोंग पे, वो इसके पीछे है। तो मतलब ये जो जितना भी एरिया है ना सुखमित का, ये सब इसी लाइन के है, जो मेट्रो की BTS लाइन है ना, इसी पे ही है। और इसी से ही अगर किसी को बैंकॉक में आना है, अगर आप स्वर्ण भूमि एयरपोर्ट से आ रहे हो तो आपको बैंकॉक में स्टे करना है, सिर्फ सुखमित, टर्मिनल 21, नाना, अशोक और पोरमपोंग करके कोई जगह है, शायद मैं प्रोनंस सही नहीं कर पा रहा हूँ, सिर्फ इसी एरिया में आपको रुकना है। अगर आप आउटर बैंकॉक में कहीं रुकोगे तो वहाँ पर आपको होटल्स तो सस्ते मिल जाएंगे, पर यहाँ पर आने के लिए आपको वही एक्स्ट्रा फेयर देना पड़ेगा। तो बेस्ट है कि अपना होटल जहाँ भी, जब भी आप बुक करो तो वो यहीं पर इन्हीं सब एरिया में करो। ऐसा कुछ नाना मेट्रो का एरिया है। एक्चुअली क्या है ना, यहाँ की जो ब्यूटी है उसको कैमरा जस्टिफाई नहीं कर पाता। अच्छा, एक चीज़ मैंने यहाँ पर देखी, यहाँ पर जो कल्चर है ना, यहाँ पर लड़कियाँ औरतें ये ज़्यादा काम करती हैं। मुझे पता नहीं कि यहाँ पर जो मेल है वो काम करना पसंद नहीं करते या उनको काम मिलता नहीं है यहाँ पर। तो अब नीचे चलते हैं। ये मैं कोशिश करूँगा कि आपको छोटी से छोटी बैंकॉक की चीज़ दिखा सकूँ। ये मांगे नाना, यहीं से मेरा होटल दिखा रहा है, वॉकिंग डिस्टेंस करीब 5 से 10 मिनट के आसपास। ये कुछ ऐसा एरिया है। तो इस वीडियो के ज़रिए मेरी एक छोटी सी कोशिश थी कि जब भी आप बैंकॉक में आएँ और अपना टूर प्लान करें तो आपको बैंकॉक में किस जगह पर रुकना चाहिए। तो ये सब वही जगह है, और यकीन मानिए दुनिया भर से आए हुए टूरिस्ट बैंकॉक में इन्हीं जगह में रुकते हैं, और ये बहुत खूबसूरत जगह है। और मैं अभी आगे भी कुछ और वीडियो बनाऊँगा बैंकॉक से रिलेटेड, तो उन वीडियो में भी मैं अच्छी से अच्छी जानकारी देने की कोशिश करूँगा। तो बने रहिए मेरे साथ अगली वीडियो में, और थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए।